रोड पे हैं, सड़क पे हैं, आज हमारे बीच के अंदर और हमारे बीच में इस समय खड़े हैं डॉक्टर राजीव रे जी। डॉक्टर राजीव रे जी, आप यहाँ रोड पे खड़े हैं और एक तरफ कहा जाता है भारत निर्माण में अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन आप यहाँ रोड पे खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मुख्यतः ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सरकार ने जो पे नोटिफिकेशन निकाले हैं, और आज क्या है मंथ ऑफ फरवरी 2018, 1/1/2016 से जो पे रिवीजन होना था वो आज के दिन में भी टीचर्स के लिए हुए नहीं है। एक दूसरा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो नोटिफिकेशन लाए हैं उसमें बोल रहे हैं कि 70 और 30, मतलब 70% सरकार देंगे, 30% यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज कहां से इकट्ठा करेंगे? बच्चों से इकट्ठा करेंगे। अगर बच्चों से इकट्ठा करना है, क्लियरली कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, कमर्शियलाइजेशन की तरफ जाएंगे और फीस बढ़ेंगे। तो और मुख्यतर ये भी है कि प्रमोशन के जो रिलेटेड है, सर्विस कंडीशंस के जो रिलेटेड है, हर जगह में जो नोटिफिकेशन आया है जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, तो उसमें हर जगह में स्टैग्नेशंस हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लेवल पे, प्रोफेसर्स के लेवल पे, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लेवल पे पूरा स्टैग्नेशन है, और इवन प्रिंसिपल्स के लेवल पे भी स्टैग्नेशन है। तो ये देखते हुए हमारे पास, क्योंकि टीचर्स कभी नहीं चाहते हैं, हम तो बातचीत के ही मार्फत से सारे काम करने चाह रहे थे, बट बातचीत भी ये करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और आज UGC में फुल कमीशन बैठ रहे हैं फॉर द सर्विस कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये आप PhD होते हैं या MPhil होते हैं, उसमें इंक्रीमेंट का कोई? अब एकदम सबसे मुख्यतः 30 साल से टीचर्स को MPhil और PhD इंक्रीमेंट्स, एडवांस इंक्रीमेंट जिसको बोला जाता है, मिलता है कि लोग 3 साल हो 10 साल हो लगा के इंक्रीमेंट्स जो PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें जो एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते थे, इस बार वो भी हटा दिया गया है। तो इसीलिए बहुत सारे डिमांड्स हैं। अगर आप देख ही रहे हो कि डिमांड के लिस्ट जो है वो तो है ही है, बट उस सबसे पहली चीज जो बात है कि डिग्निटी ऑफ टीचर्स, एक दो जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं कि उस चेंजेस प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, आम आदमी के बाहर चले जाएंगे जिस पॉलिसी लागू किया जा रहा है। तो डॉक्टर, आपका मानना है कि जो एजुकेशन का जो स्तर है ये दिन पर दिन ये एक मूवमेंट के द्वारा इसे गिराया जा रहा है? देखिए, स्तर अगर हमें विश्वमान में पहुंचना है तो कुछ कुछ पॉलिसीज तो होना चाहिए। विश्वमान में ये नहीं हो सकता है कि टीचर्स का कोई स्थायित्व नहीं है, अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। टीचर स्टूडेंट्स रेशियो अगर आप देखो सारे भारतवर्ष में हालत खराब चल रहा है। ये सब देखते हुए ये हम मजबूर हो रहे हैं और सरकार को रिक्वेस्ट और डिमांड कर रहे हैं कि देखिए ये पॉलिसी चेंज कीजिए, और जो टीचर के जो जायज जस्टिफाइड डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी कीजिए।